तो और मेरे दोस्तों, क्या हाल है? ये है गेमिंग इन फार साइट, और अपन आज फिर से आज एक नया गेम देख रहे हैं और इसका नाम है लाइफ इज स्ट्रेंज। तो इसके पहले भी हमने एक ऐसा ही गेम देखा है जिसमें क्या बोलते हैं, हमारी चॉइसेस पूरी पूरी गेम के आउटकम को डिपेंड करती है, मतलब इफेक्ट करती है। और फिर वो गेम था टेलटेल गेम्स का द वॉकिंग डेड। तो हमने उसका भी एपिसोड वन देखा था, और फिर अपन इसका भी एपिसोड वन देखेंगे कि इसमें क्या है। मैंने इसका सिर्फ एपिसोड वन ही खेला है, मैंने आगे खेला नहीं है, मगर एपिसोड वन खेल के ही मेरे को ऐसा लगा कि यार ये गेम बहुत ही अच्छा है। और फिर इसमें मतलब पांच है एपिसोड, क्रिसालिस, आउट ऑफ टाइम, क्योस थ्योरी, डार्क रूम और पोलराइज्ड। तो फिर पूरा का पूरा जो जो पहला सीजन है उसमें पांच एपिसोड्स, और फिर वो बहुत ही अच्छा है। जो सारे एपिसोड हैं उनका प्ले थ्रू टाइम कुछ 1 या 2 घंटे है, या 3 घंटे तुम मान सकते हो अगर तुम मतलब अगर धीरे धीरे कर रहे हो तो। और फिर बहुत आएगा मज़ा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो लाइफ इज स्ट्रेंज इज अ स्टोरी बेस्ड गेम दैट फीचर्स प्लेयर चॉइसेस। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल योर इन गेम एक्शंस एंड डिसीजंस विल इंपैक्ट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, चूज वाइजली। तो फिर मतलब अपन जो भी करेंगे, और फिर बिल्कुल वैसे ही है कि हमारी चॉइसेस बहुत ही ज़रूरी है, और फिर उसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। तो फिर यार इस टाइप के गेम मतलब बहुत ही होते हैं बढ़िया, कि मतलब अच्छे तो होते हैं ही। फिर यार मतलब क्योंकि इनमें ना बहुत सारी फिर होती है स्टोरीज़ की, मतलब ब्रांचिंग पार्ट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अगर तुम ये खेल रहे हो और फिर तुम्हारा अगर दोस्त खेल रहा है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी और दोस्त खेलने से अभी भी, मतलब मैं ही अगर खेल रहा हूँ और फिर तुम अगर खेल रहे हो, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं जो जो चॉइस करूँगा वो तुम्हें सही लगेगा। तो ये है हमारी मेन कैरेक्टर, और फिर उसको मेन गेम खेलने में, तो फिर इसका नाम है मैक्स कॉफील्ड। बढ़िया। There's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. तो फिर हमें हमारा रास्ता बनाना है लाइट हाउस की तरफ, और फिर क्या बोलते हैं, तो तुम अब देखोगे कि मतलब कि असल में गेम का मतलब प्रेमिस क्या है। तो फिर क्या बोलते हैं, एक साइक्लिक है स्टोरी, यानी कि ये जो अपन देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, या अभी इसे नहीं आ रहा समझ, मगर चल भी आएगा। तो ये रहा ऊपर लाइट हाउस, और फिर सामने है बड़ा सा इंटरस्कोप। लाइट हाउस के अंदर तक पहुंचना है शिफ्ट दबा के, पास चलते हैं, और कंट्रोल सिंपल ही WASD वगैरह सब कुछ। होली शिट। और ये गेम शायद तक मेरे हिसाब से फ़ोन में भी है। मैं कब से द वॉकिंग डेड में भी बताना भूल गया कि तुम उसको फ़ोन में खेल सकते हो, और वो भी फ्री में। तो फिर बढ़िया है, मतलब कोर्ट आके पूरी कोर्ट ही गिर गई। Oh, death. That was so surreal. Famously calls film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. कभी कभी होता है नहीं कि अपन कुछ भी सोचने लगते हैं एकदम। From color, बस 5 मिनट तक अपन सुनते हैं टीचर क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद अपने। Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Diane Arbus. पता नहीं वो क्या बोल रही है, वो कुछ जवाब वगैरह दे रही है। तो फिर अपन अभी क्लास में हैं, और फिर अगर तुम लोग को ऐसे हाई स्कूल वाली अगर मूवीज पसंद हो, हाई स्कूल वाली गेम्स पसंद हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। Tortured, right? तो फिर frankly it's bullshit. तो फिर अब देखो कि तो अब इसमें क्या करना, क्या कि देखो कि मतलब पहले तो ये है कि तुम अपनी सराउंडिंग्स को फिर से बहुत अच्छे से देखना चाहिए। How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. You in a moment of desperation. मतलब तुम अपनी सारी चीजें देखो और फिर क्या क्या है सब कुछ देखो। तो फिर ठीक है, सेल्फी ले लेते हैं कैमरा से। Too obvious? What if Arbus chose to capture? I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. भाई फोटो लेता है कौन, इतना बेवकूफ है। Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max,
Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? और फिर देखो उसके बाद अपने अपने को मिलती है चॉइस की अपने को यू आर आस्किंग मी आई डिड नो और फिर ऐसे तो आई डिड नो बोल देते आई डिड नो बट आई काइंड ऑफ फॉरगॉट यू आइदर नो दिस और नॉट मैक्स इज देयर एनीबॉडी हियर हु नोस देयर स्टफ Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. The class ke hoshiyar mein bade bachche hain aur phir sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Aur uski taraf aur bol ke usko chadha hai. Good Victoria. The Daguerrean process. Kam log mein aise sach mein real life mein aise kabhi nahi dekhte hain. Kya pata hum log extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. If anybody else looked at this, what would they think? और फिर पूरी जर्नल है तुम इसको पूरी अच्छे से पढ़ सकते हो ये बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है और फिर बहुत डिटेल है अच्छा ये टाइप्स ऑफ पोर्ट्रेट वाज डन बाय रॉबर्ट कॉर्नेलियस और फोटो ये इसका फोटो पेंसिल केस और वगैरह वगैरह इन योर टेक्स्टबुक और इवन लुक एट दिस क्रैप ये तो पढ़ लिया था मतलब कैन आई शो दिस टू मिस्टर जेफरसन दकदार भी हो सकता है क्लास हो खत्म गाइस डोंट फॉरगेट द डेडलाइन टू सबमिट अ फोटो इन द एवरीडे हीरोज कॉन्टेस्ट आई विल फ्लाई आउट विद द विनर टू सैन फ्रांसिस्को वेयर यू विल बी फेटेड बाय द आर्ट वर्ल्ड इट्स ग्रेट एक्सपोजर एंड इट कैन किक स्टार्ट अ करियर इन फोटोग्राफी सो स्टेला एंड अलिसा गेट इट टुगेदर टेलर डोंट हाइड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर एंट्री टू एंड यस मैक्स आई सी यू प्रिटेंडिंग नॉट टू सी मी तो वो टीचर ने बिल्कुल वैसे किया कि अगर तुम क्लास में कुछ भी कह करोगे तो फिर वो फिर मतलब तुमको ऐसे पिन पॉइंट करके फिर पूछेगा तो बिल्कुल वही है तो फिर अब क्या बोलते हैं हम घूम वगैरह किसिंग एस और फिर उसके बाद फिर तुम यहाँ वहाँ सब कुछ देखने देखने देख, देख सकते हो क्या है और क्या नहीं Looks like somebody was already working on this. Cool. पूरे हर जगह पे तुम देख सकते हो लोगों से बात कर सकते हो oh. तो ये केट है Hi, ma'am. मैक्स कॉफील्ड ओ आई होप आई डिडंट एम्बैरस यू यू सीम क्वाइट टुडे यू सीम क्वाइट टुडे Just thinking too much. नीचे कितना उसके डेथ सर्कल्स में बन गए विक्टोरिया हैज ऑलरेडी वॉन वांट टू ग्रैब अ कप ऑफ टी आई हियर दैट वांट टू गो ग्रैब अ कप ऑफ टी एंड बिच अबाउट लाइफ थैंक्स बट नॉट टुडे आई हैव टू गो ओवर होमवर्क नो वरीज लेट्स हैंग लेटर श्योर होते ही है और फिर देखो मतलब क्या क्या है देखने का एच्ड मार्क्स वगैरह वगैरह और फिर ये सब कुछ और क्या बोलते हैं अपन इन लोग से भी बात कर सकते हैं और इनसे भी कर सकते हैं मगर क्या ही करना बात टीवी है टीवी को देख सकते हैं और फिर क्या क्या लगा है यहाँ पे बुक्स और फिर पोस्टर सब कुछ देखना आई सी यू मैक्स कॉफील्ड और बाहर जाने की कोशिश करने की कोशिश की मगर उसको पकड़ लिया अपने को I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I didn't have time. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि क्या हो रहा है for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah blah blah. मगर अभी मेरे पास आएगा अभी बहुत बड़ा है. You do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. ठीक है भाई बहुत ही बढ़िया तो फिर बाकी मुझे और इन लोग से बात करने का है नहीं मन पर अभी तुम लोग को मेन ट्विस्ट तो मालूम नहीं है पर वो ट्विस्ट आने दो और फिर वो बहुत बढ़िया है फिर ये देखो ये बॉटम लेफ्ट में जो आ रहा है वो सेविंग आइकन हां देन आई माइट सेंड यू अ स्पेशल पिक्चर एंड शेयरिंग और क्या क्या चल रहा है यहाँ वहाँ उसके हिसाब से तुम देखे देख सकते हो और फिर वो मतलब आगे चल के मतलब तुम करेगा Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Square. I hate that class. यहाँ से होता है गेम शुरू. ये है मेरे दोस्तों. Life strange. She's so fucking shy. और फिर zone out होना बहुत normal है अपन लोग के लिए नहीं. बस गाने सुन लो और फिर क्या जरूरत है सब कुछ सुनने की. तो फिर अभी ये गाना बज रहा है और मुझे है tension कि इस पे copy strike ना आ जाए. पर आ भी जाए तो भी क्या पड़ता है फ़र्क यार तो ये चालू हो गया है लाइफ स्टेज एपिसोड 1 क्रिसालिस और फिर तुम सबको देख सकते हो और फिर ये सब के सब कैरेक्टर्स कभी ना कभी एक्सप्लोर होंगे Alyssa is always texting but she doesn't hang out with a lot of people American girls Evan doesn't say much to me but his photos are very cool ये इसका है लॉकर Hello Jack, kiss kiss.
Andy, you look totally fabulous, as usual. Driving a car by the seaside. So Justin, Dana, watching the world. Oh, yahan pe poli khel rahe kuch log bacche. Danielle, Logan. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Brooke likha tha ki Brooke likha tha. Brooke likha tha. Aur fir missing persons poster aur fir Halloween party. Halloween I wish party October would last forever. Or missing persons one poster. It looks like she's been gone for months. But she's gone for months. बढ़िया क्या है मतलब कुछ है और फिर क्या फॉर सेल का कुछ है पोस्टर. Don't need a PC. Missed the Poetry Jam tryouts and I did not steal that backpack. और सोडा वेंडिंग मशीन वगैरह क्या क्या है फिर आर्ट बनाया ये शायद हैलोवीन के डेकोरेशन. तो मतलब पूरी की पूरी एक स्मॉल टाउन हाई स्कूल वाली फील है और फिर उसी टाइम का गेम है. मतलब तुम इन सब से जाके इंटरेक्ट कर सकते हो सबके से पास जाके कुछ और बात कर सकते हो पर अपन जाएंगे मेन जगह जहाँ उसको जाना है बाथरूम में और यहीं पे कुछ होने वाला है कुछ ऐसा जो बदलेगा पूरा. Nobody can see my meltdown except for me. बढ़िया. तो फिर ये है फॉसेट यूज मुंह वगैरह धो ले. यार मेरे कंपनी पता है ये बाथरूम वगैरह के पानी से मुंह धोने का मन ही नहीं किया. ये से जो पब्लिक वॉशरूम वगैरह होते हैं उसका पानी जस्ट रिलैक्स स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ यू हैव अ गिफ्ट. और आजकल तो कोविड के चक्कर में और ही डर लगता है कहीं बाहर ही नहीं गया था दिनों से यार. तो उसने वही वो फोटो थी जो वो फाड़ के फेंक दी. व्हेन अ डोर क्लोजेस अ विंडो ओपन्स और समथिंग लाइक दैट. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. तो वो बटरफ्लाई है और फिर अपन उसके लिए सकते हैं फोटो. नीली के कलर की बटरफ्लाई तो मैंने कभी देखी नहीं यार. पता नहीं. ओ कोई आया. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. Stressed out. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. तो वही मतलब blackmailing चल रही है. Out of this bitch. और फिर वो कुछ पैसे वगैरह मांग रही है. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would drugs bitch rahe aur fir ab usne bol liye ten nikal liye bahut badhiya choice. That gun away from me, psycho. No. Oh. Aur goli pad gayi. Hal kharab ho gaye. Whoa. What the fuck? और फिर यहाँ से होगा असली गेम शुरू. तो फिर he shot that poor girl. और अब कुछ होने वाला है जो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड तक लिखना पड़ेगा. तो यही है ट्विस्ट. टाइम पीछे हो रहा है और टाइम पीछे हो रहा है तो इसका क्या है मतलब. और फिर सारी की सारी चीज़ें फिर से हो रही है बिल्कुल वैसी वैसी सेम है लेक्चर सेम चीज़ें हो रही फिर से. उसने फिर से उस पर वही फेंका और फिर This is real. Or for phone bat gaya. Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Who captured the human condition in black and white. To ye mere dosto life is strange aur fir apan milte hain next episode mein aur fir tab tak ke take care goodbye see you. Dekhenge ki yahan se kya hota hai aage aur fir tab tak ke liye thanks dekhne ke liye.